वेलकम टू मैथमेटिकल पॉइंट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। ओके नाउ जैसा कि हमने अभी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट 6.10 ने नॉर्मल का कर लिया था, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चनों का हिंट दे दे रहा हूं, और उसके बाद जब आप डाउट अपना पूछोगे तो उसमें आपको मैं डाउट बता दूंगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की बात करो तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर जो 14 किया था उसी के बेस पर ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है और dy by dx जब आ जाएगी तो x की वैल्यू पुट कर दोगे। और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड भी वही है, x कोऑर्डिनेट लिख दिया है, यानी x इज इक्वल टू के जगह पर x कोऑर्डिनेट लिख दिया है, यानी थर्ड में भी आपको डिफरेंशिएट करनी है और dy by dx की जो वैल्यू आएगी उसमें आप x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। फोर्थ क्वेश्चन में भी आप एक में फोर्थ आपको करके बता दे रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है, यू आर गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज x³ - 3x + 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy by dx, x³ का 3x² 3x का 3 हम कॉमन ले लेंगे x² - 1। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3, x कोऑर्डिनेट 3 का मतलब x इज इक्वल टू 3 3 ब्रैकेट में 3² - 1, 3² is 9 - 1 is 8, 3 24 इज द आंसर। तो कुछ नहीं, आपके ये चार क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और इवन फिफ्थ सिक्स्थ में आपको सेम चीज में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें dx/dy निकालने की जरूरत होती है, और बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पैरामीट्रिक फंक्शन का है। मैं इसको आपको करा देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, योर x इज इक्वल टू a cos cube theta एंड y इज इक्वल टू b sin a sin cube theta। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन। सो हम x से निकालेंगे dx/dθ जो कि हो जाएगा 3a cos² थीटा और cos का डेरिवेटिव हो गया -sin θ। और dy/dθ निकालोगे तो 3a sin² थीटा और sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos θ। अब उसके बाद हम जब dy/dx निकालेंगे तो dy/dx यानी कि dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ। तो स्टूडेंट dy/dθ की वैल्यू 3a sin² θ cos θ। एक मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था इस टाइप का 3a cos² θ और ये माइनस में बाहर लगा दे रहा हूं sin θ। अब क्या होगा आपका 3a 3a, एक cos और एक sin कट हो जाएगा, बच गया है ऊपर sin और नीचे cos, तो माइनस का tan θ हो गया, sin अपॉन cos tan θ होता है। नाउ यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है इज इक्वल टू -1/dy/dx, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx और उसको हम m कहते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/m, तो ये -1/dy/dx होगा। और एट थीटा इज इक्वल टू, आपको थीटा की वैल्यू भी गिवन है,
तो थीटा की वैल्यू हमारे को पाई बाई फोर गिवेन है, थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर गिवेन है, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन माइनस टेन थीटा कट हो गया, यानी कि थीटा के ऊपर आ जाएगा पाई बाई फोर, और आपको पता है कि वो पाई बाई फोर टेन वन होता है, वन बाई वन हमारा वन आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे को इक्वेशन ऑफ स्लोप नॉर्मल मिल गया। अब क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो ये माइनस वन हो जाएगा, और सेम क्वेश्चन आपका सिक्स है, सिक्स क्वेश्चन में भी आपको dx by dt का निकालना होगा, dy by dt का निकालना होगा, फिर dy by dx निकालना होगा सेम पैटर्न से। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो सिंपली dy by dx हो जाएगा, और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी होगा। मान लो इसी में बता रहा हूं मैं, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता, स्लोप ऑफ टेंजेंट dgt मतलब टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन में dy by dx। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चनों का। अब आपका थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई जीरो, बिल्कुल सही है। तो पहले आप इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का मतलब हो गया डीवाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का मतलब हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया सिक्स एक्स, और नाइन एक्स का मतलब हो गया नाइन, और सेवन का डेरिवेटिव हो गया जीरो। अब यहां आपको दे रखा है सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू जीरो। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस होता तो हम लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू वन बाय जीरो, लेकिन यहां पर आपको dy by dx को जीरो लेना होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। तो अब dy by dx की जो वैल्यू है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मैंने 3 कॉमन ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन और थ्री आ गया। बच्चों लेकिन आपको पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट में एक्स और वाई दोनों आता है, तो ये एक्स की वैल्यू से आपको वाई निकालना होगा। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, अब x की जगह माइनस वन पुट करके देखो तो x को माइनस अब अगर आप x को माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस सेवन, तो माइनस फोर प्लस नाइन इज फाइव और सेवन ट्वेल्व आ गया शायद से, 9 माइनस थ्री छह माइनस एक पांच और बारह, और वेन एक्स इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो वाई क्या आएगा, तो वाई आएगा 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 थ्री 27 ये भी हो जाएगा और प्लस नहीं माइनस 27 ही आएगा और प्लस 7, तो ये तो 27 कैंसिल हो गया माइनस का 20। अब मैं यहां आपका कंप्लीट कर दे रहा हूं आंसर, पॉइंट ऑन द कर्व, सो पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज, स्टेटमेंट में आंसर पूरा लिखना, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर, क्योंकि दो पॉइंट आ रहा है तो अब एक बार है माइनस वन उसके साथ आ गया 12 एंड
प्लस 3 के साथ माइनस का 20, ये हमारा आंसर हो गया। घुमा के कर देना चलो, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान से देख लो, ये यहां से पूरा सॉल्व होगा, देयर आफ्टर ये वाला पोर्शन आएगा और उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन आएगा। सो पॉइंट ऑन द कर्व व्हेन वेयर है ये वेयर WHERE वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर -1.12 एंड 3, -20। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरा टारगेट है कि आपको कम से कम 10th, 11th, 12th, 13th तक आपको क्वेश्चन में समझा दूं, ताकि एक दूसरे वीडियो में हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। मतलब दो पार्ट में मैं इसको आपको कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप आराम आराम से कर सको। एक दिन में आपसे नहीं होगा तो आपको थोड़ा घबराहट हो सकती है, और जैसे ये आप कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। और अगर मैं जो भी क्वेश्चन इसमें हिंट देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मेरे से डाउट में पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8th की बात करें तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कर्व। तो जैसे यहां पर हमने एक बार कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया है, क्योंकि एक तरह से टेंजेंट है और ये, और दो पॉइंट है, उसको अगर हम ज्वाइन कराते हैं और उसका कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड ये होता है ना ऐसे, तो यहां दे रखा है कि टेंजेंट और कॉर्ड दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों की हम स्लोप को निकाल कर इक्वल कर देंगे। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन ऑफ कर्व से, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दे रखा है y = x - 2 का होल स्क्वायर, y = x - 2 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx 2 × x - 2। और अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड, नहीं, सो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा हो गया 2 (x - 2). अब स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड है y2 - y1 / x2 - x1 से, तो y2 - y1 पॉइंट आपको 2, 0 और 4 दे रखा है, तो 4 - 0 और अपॉन में 4 - 2, तो ऊपर 4/2 ये 2 आ गया। अब कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल है, तो इनको इक्वल कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 × x - 2 = 2, यानी x - 2 = 1, यानी x = 3। अब इस x की वैल्यू को आप y में पुट करके आप y निकालोगे, यहाँ सिंगल पॉइंट आ रहा है, 3 - 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, सो पॉइंट ऑन द कर्व इज 3, 1। यहां पर आपका सिंगल पॉइंट आएगा 3, 1। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, 3, 1 आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपको सेम तरीका है। अभी जैसे हमने इसमें क्या किया था, पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया और दूसरे के लिए कॉर्ड से स्लोप निकाली, यहां दूसरे वाले का आपको लाइन दे रखी है, तो फर्स्ट को भी डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालोगे, वो आपका कर्व मतलब टेंजेंट का स्लोप होगा, और जो दूसरा लाइन है वो भी टेंजेंट की लाइन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी टेंजेंट का स्लोप होगा, और दोनों dy/dx, मतलब जैसे हमने ये भी निकाला था, ये भी हमारा dy/dx ही था, तो ये जैसे हमने दोनों को कंपेयर किया ना इक्वेशन में, उसी तरीके से आप दोनों इक्वेशन के डेरिवेटिव को कंपेयर करोगे, ये आपका हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपका एग्जाम्पल नंबर
16th के और 15th के जैसा है। स्लोप आपको गिवन है, कर्व आपको गिवन है। कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, स्लोप के साथ उसको इक्वेट करोगे और दोनों को सॉल्व करोगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 10th और 11th हो जाएगा। मैं आपका 12th बता दे रहा हूँ, 12th भी आपका उसी के जैसा है। तो 12th के बेस पर अगर आपको कुछ डाउट भी होगा तो 12th के बेस पर हो जाएगा। सो जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का मतलब हो गया डीवाई बाई डी एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 और 3 का 0 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको स्लोप की वैल्यू 0 दे रखा है और स्लोप डिवाइड बाय डीएक्स होता है। यानी कि सिंस स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू 0, यानी माइनस ऑफ 2 कॉमन का ले लो माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे हमें x की वैल्यू मिल गई 1। अब इस x की वैल्यू 1 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि यहां भी आपको पॉइंट ही निकालना है। हाँ, पॉइंट चाहिए तभी आप स्लोप की टेंजेंट इक्वेशन निकाल पाओगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाओगे। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, आप x की वैल्यू में 1 पुट कर दो तो 1 अपॉन में 1 माइनस 2+3, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 यानी 1 अपॉन में 2। तो इस तरह से आपको जो पॉइंट मिला, पॉइंट ऑन कर्व इज 1, 1/2 और स्लोप जो है वो है 0। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। तो y-y1 यानी 1/2, m यानी कि 0 और x-1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 यानी पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सारे एग्जांपल बेस्ड हैं। इवन जो आपका 14th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है, वो आपका बिल्कुल एग्जांपल नंबर 17 जैसा है, जहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रहा है, वहां पर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डीवाई बाई डी एक्स को 0 करेंगे और पैरेलल टू वाई एक्सिस में डीवाई बाई डी एक्स को 1/0 करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स को 1/0 करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 13 हो जाएगा। नहीं होता है आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालना, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप बात करो तो यहां भी आपको इक्वेशन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। तो जो हमने क्वेश्चन किया था 19 और 20 उसके बेस पर है। पहले आप जो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर डेरिवेटिव के अंदर जो पॉइंट दे रखा है उसमें से एक्स की वैल्यू और या वाई जिसकी चाहिए वो आप पुट करके आप स्लोप निकाल लोगे, फिर पॉइंट और स्लोप के हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दोगे। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 14 आपका इजीली होने का मेरे को पूरा चांस है, बट फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, पूरा आपको दिख गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, व्हाट्स योर क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर मैं 15 कर दूंगा तो आपका 9th क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगा।
इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, इसको कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का मतलब हो गया dy by dx, x स्क्वायर मतलब 2x, 2x का मतलब 2, 7 का मतलब 0 है, 2 into x माइनस 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसे भी आप डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएट करके आप हर यहां पर हमारे पास स्लोप का दो तरीका है, एक तो डिफरेंशिएशन वाला है ही, मैं एक और जो फॉर्मूला बताया था उसे यहां पर करवा दे रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी आपको याद होगा, और माइनस ए बाई बी का मतलब हो गया ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो ये माइनस टू हो गया, और बी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस वन हो गया, यानी ये कट के टू आ गया, तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, देयरफॉर 2 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू 1, ये 2 जाकर डिवाइड हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 लेकर के आप कर्व में पुट करके y निकाल दो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7, 7 आ गया, तो पॉइंट हमें मिल गया 2, 7। अब आपको निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट को मैं टीजीपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1, जस्ट टेल मी अबाउट y1, तो यू विल से 7 m m इज 2 x माइनस 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो अगर हम y को उधर ले जाएं तो 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो जब पैरेलल है तो हमने स्लोप को इक्वल किया, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर सेकेंड पार्ट के लिए कुछ पोर्शन आपका सेम है वो मैं जहां तक सेम है वो नहीं मिटाऊंगा, और उसके बाद का पोर्शन मैं आपका मिटा के उसे आगे कर रहा हूं। ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा चेंज अलग हो जाएगा, यहां से ये इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट आ गया इस क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। अब इसका स्लोप आपको निकालना है, तो स्लोप आपका आ जाएगा माइनस ए बाई बी, तो a यानी कोफिशियंट ऑफ x होता है जहां भी हो, तो ये माइनस का प्लस 15 हो जाएगा, और b यानी कोफिशियंट ऑफ y 5, तो 5 3 आ गया स्लोप। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो अब यहां से चेंज हो गया, यानी कि जो स्लोप है टेंजेंट का, हाँ, उन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू का 3 एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, कंडीशन था m1 into m2 is equal to minus 1। अब आप इसे करो 2x minus 2 is equal to minus 1 by 3, ये मल्टीप्लाई हो गया उधर जाकर के, तो 2x is equal to 2 minus 1 by 3, 3 to the 6 minus 1 5 by 3, तो x की वैल्यू आ गया 5 upon में 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 5 upon में 6। अब इस x के वैल्यू से हमें y निकालना होगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 अपॉन में 36 माइनस 2 5 10 अपॉन में 6 और प्लस में 7, तो आप इसका एलसीएम ले लो, 36
25 माइनस 6 का 60 हो गया और 36 7 जा, तो जो भी आएगा इसको सॉल्व करके आप यहां y की वैल्यू निकाल लोगे और जो x और y की वैल्यू आ जाएगा तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y1 आपके पास x1 आपका 5/6 है, y1 आपका जो भी यहां पर आएगा सॉल्व करके देख लेना, ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, यहां पर गड़बड़ ना होना चाहिए, ये 6 इसके अपॉन में 25 यहां पर, और m हमारे पास जो आएगा यहां वो परपेंडिकुलर वाली लाइन का आएगा, ध्यान रखना ये नहीं आएगा -1/3 आएगा, स्लोप की जगह पर मैं यहां कर दे रहा हूं -1/3 आएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आपका 15 तक इसमें आसानी से हो जाएगा और आपका 16th भी हो जाएगा, बट अगर आपको 16th में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, एक वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट जो है आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें डाउट वाले होंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं सब बता दूंगा। हालांकि मैं 16th का हिंट दे दे रहा हूं, आपको y गिवन है dy/dx निकालोगे और एक बार x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे वो आपका m1 निकलेगा और एक बार x की वैल्यू -2 पुट कर दोगे वो आपका m2 निकलेगा और आपको शो करना है कि m1 और m2 यानी दोनों स्लोप से जो वैल्यू आ रही है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए क्योंकि अगर इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपका अबाउट 50% 6.3x ये क्वेश्चंस करा दिए, मोर देन 50% और हिंट दे दिया कुछ का। अब आप इनको करोगे और आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी वो आप पूछोगे और अभी आपको लास्ट में इसमें कुछ नोट्स भी मिलेगा उसको आप ध्यान से देख लेना और उसके बाद जो डाउट होता है वो मुझे बता देना और रिमेनिंग क्वेश्चन वो दोनों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।